आपका जो मेन ओनर है वो मेरे बड़े भैया है गौरव को, तो उसने इस दुकान को पहले स्टार्ट किया था। पहले उसका हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो केमिकल टाइप का कुछ नशा अदर मीन्स पाता कुछ मैंने नशा कोड बोल सकते हो ड्रग एडिक्ट हाँ वन काइंड ऑफ ड्रग एडिक्ट। तो उसने बचपन से ही नशा करना स्टार्ट कर दिया था। तो जब ड्रग एडिक्ट में जब थे तब ये जो सिंगर है नचिकेता चक्रवर्ती जी, तो उसके गाने सुनकर वो कम बैक करने के फैसले किए। तो नशा तब भी मतलब क्या बोले तब भी फुल नशे के अंदर था, पट्टे एवरीडे नशा करता था वो मेरा छोटा छोटा नंबर। तब भी वो नशा करते थे, फिर गाना सुन के काम में करने का फैसला किया। तो तब जाकर एक सॉन्ग डिसीजन है कि ना मेरे को इधर से निकलना है, क्योंकि एक टाइम आता था जो सब कुछ था जिसमें फिर जाकर उसने एडिशन लिया कि नेशा मेरे को छूना ही है, किसी भी हद तक जाकर भी मेरे को छूना है। और सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था नचिकेता चक्रवर्ती का गाना। तो क्या बोला मन को छू गया उसका गाना, तो इसलिए उसने कहते हैं कि मेरे को निकलना ही है तो निकलना ही है। तो उस टाइम से नचिकेता का गाना सुन के धीरे धीरे काम करता रहा था। तो तब जाकर नचिकेता का जो कॉन्सर्ट है उसने छोड़ता नहीं था, सब कॉन्सर्ट में जाके सुन के आता था। उस टाइम उस कॉन्सर्ट में जाने के बाद क्या कहते हैं, हर टाइम जाने के बाद एक पहचान हो जाता है। तो तब से नचिकेता चक्रवर्ती का आँखों में पड़े थे वो बच्चा है स्ट्रगल कर रहा है। तो फिर जब पूरी तरह से नशा छोड़ गया तो कोई जाके काम नहीं मिला था क्योंकि उसने काम नहीं दिया। हाँ, क्योंकि टैग तो लग गया ना ये नशा कोड़ा ड्रग एडिक्ट का, तो इसलिए कोई विश्वास नहीं करते थे इसको काम देके हम रख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तब जाकर एक गाइड है कि हमको क्या करना है क्योंकि मेरे को काम नहीं दे रहे हैं और मेरे पास इतना पूंजी नहीं है जो बिजनेस खोल के बैठ सकते। तो जाकर एक आइडिया है जो ठीक है तो चाय के बिजनेस करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा पूंजी नहीं लगती है। तो पहले ये दुकान नहीं था, पहले वो उस साइड में एक रेंट लेके दुकान बनना स्टार्ट किया था। দাদা কি বললে বলো এবার তুমি বললাম বাচ্চা মেয়ে ওসব বলি নি ছোট না বাবা মিডিয়াম পাবেন না ছোট না হলে বড় বলো ডিসপ্লে কে চায় দোকান স্টার্ট আপ কিয়া। তো বহুত দিন কিয়া ফির একটি নচিকেতা চক্রবর্তী গান মে গে জো কোই বন্দা উসকে নাম পে এক হ্যাঁ দোকান কা নাম নচিকেতা কে নাম পে রাখা থা উসনে, क्योंकि ये इंस्पिरेशन था वो गाना उसका। तो उस टाइम तो इसलिए नचिकेता चक्रवर्ती काम में गया, कोई एक बंदा ऐसा नाम लेके कोई दुकान चलाए। तो एक दिन आज हम लोग कहीं नचिकेता जी दुकान में आ गए, तो तब हम लोग का रेंट पे दुकान था। तो देखे और भी ज़्यादा पहचान बढ़ गया, तो अच्छा कोई मेरे नाम पे इतना स्ट्रगल करके पर फिर हम लोग का ये दुकान स्टार्टअप के एक साल बाद नए वाले दुकान पर आ गए। तो उस टाइम उसने आके क्या किया ओपनिंग भी उसने ही किया था, तो उस दिन के बाद से अभी तक चल रहा है। थैंक यू।
एक डेक्ची चाय बनाने में कितना टाइम लगता है? 45 मिनट। और ख़त्म होने में? अभी दोपहर के टाइम है तो आधा घंटा लग जाते हैं। और शाम को मतलब बनाने में टाइम ज़्यादा, ख़त्म होने में टाइम कम। शाम को 15 मिनट मैक्स में, एक्सप्रेस में तब भी नहीं जाते। Thank you.